उन्नाव में बीजेपी विधायक के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पीड़िता के चाचा इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में मामले की चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। पीड़िता के चाचा सीबीआई जांच पर भरोसा जताते हुए हाईकोर्ट से न्याय की उम्मीद उन्होंने जताई है। हालांकि अभी भी दुष्कर्म और हत्या में शामिल आरोपियों के खुले में घूमने और पुलिस प्रशासन के रवैये पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उनके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले टिंको सिंह का पता लगाने की भी मांग की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मामले में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के उन्नाव जेल में दरबार लगा रहे हैं। यही नहीं, उनके समर्थकों द्वारा गांव के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। दुष्कर्म पीड़िता के चाचा ने मुकदमे को सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर किए जाने की भी मांग की है। उधर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सीबीआई ने विवेचना की प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश की। कोर्ट ने सीबीआई की धीमी जांच पर नाराजगी जताते हुए प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद उसे सीबीआई को वापस कर दिया। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।